एक प्लेट दाल राइस पहन लेने के बाद अब और मन कर रहा है कि एक और खा लेते हैं, तो भ्राता श्री एक और दाल राइस लेने का। गुड मॉर्निंग जी, जय माता दी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो मैं हूँ इस टाइम वैष्णो देवी में और आज संडे, आज हमारा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। तो हमारी ट्रिप आज खत्म होने वाली है क्योंकि हम लेंगे अपनी ट्रेन टूवर्ड्स दिल्ली और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हूँ इस टाइम कटरा में। तो हमने हेलीकॉप्टर से नीचे उतराई की, पहले हम सांझी छत पे गए, फिर उसके बाद वहाँ से हमने लिया हेलीकॉप्टर और हम नीचे लैंड कर गए। हेलीकॉप्टर में लगे सिर्फ 4 मिनट, तो हमें दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, आपने कल वो देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं पे भी वीडियो और फोटो लेना अलाउड नहीं है, तो मैं कहीं भी कैमरा ले जा नहीं सकता था अंदर भवन में या भवन की लाइन में, तो वो तो नहीं शूट कर पाए। बट आपको मैंने नॉर्मल अपनी जर्नी दिखाई कि हम कैसे चढ़े, कैसे हमने घोड़ा लिया और कैसे हमने ई रिक्शा का ट्राई किया, बट वो मिला नहीं। और आज हमने लिया हेलीकॉप्टर, तो आप व्लॉग में देखेंगे वापस आने के लिए। और ये हेलीकॉप्टर हमने पहले ही बुक कर लिया था, तो आप भी अगर आ रहे हैं तो पहले से बुकिंग कर लें क्योंकि एंड मोमेंट बुकिंग नहीं मिलती है। तो हमने किया चेकआउट सुबह, अभी बज रहे हैं 9 और हम आई थिंक 6:30 बजे उठ गए थे। हमने 7:30-8 बजे तक चेकआउट किया और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट किया। मैंने खाया ब्रेड पकौड़ा बहुत ही महीनों बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैंने आज यहाँ का ब्रेड पकौड़ा खाया, और चाय तो मैं डेली का 3-4 पी रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप देखिए वो जर्नी और हम लेते हैं सिटी के लिए टैक्सी। तो हम कर रहे हैं अभी यहाँ से चेकआउट, तो हमें कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है, तो हम शायद चाय टोस्ट लेंगे, तो इसलिए हम पहले एग्जिट कर देते हैं और फिर उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये मेरे पीछे लॉकर जहाँ पे हमने सामान रखा था जब हम दर्शन करने गए थे, और यहाँ पे कंडीशन थी कि आप जैसे ही दर्शन करके आओ तो लॉकर खाली कर लेना प्लीज़, क्योंकि काफ़ी वेटिंग चल रही है। तो हमने फाइनली ये छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं कहीं ब्रेकफास्ट करने, और ये था हमारा डॉर्मेट्री जहाँ हम रुके थे, और यहीं के टिकट्स हमने नीचे से लिए थे। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, ये लगी लाइन रोपवे के लिए, और यहाँ से आपको 100 रुपये की टिकट मिल जाएगी ऊपर जाके। वेटिंग थोड़ी है बट रोपवे में, क्योंकि 40-50 लोग एक बारी में जाते हैं, तो आपका नंबर आ ही जाएगा। ये देखें ये लाइन यहाँ से पूरा अंदर चल रही है, और यहाँ से लंबी रोपवे की लाइन चलती है। और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, कल तो हम जब दिन में गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट आज सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ है। और ये पीछे मेरे रोड है जहाँ पे माता का दरबार है, तो यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो माता के दरबार की लाइन शुरू हो जाती है। तो पहले यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे आज से 3-4 साल पहले जो मैं आया था, बट आज की डेट में यहाँ पे सागर रत्न है, नथूज है, दिल्ली का गुलाब है। तो मैं दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट। और आपको शायद सुबह इतनी भीड़ देख के लग रहा होगा कि 10-11 बज रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, बट यहाँ पे अभी से भीड़ लग गई। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे चाय ब्रेक और हम लेंगे गुलाब से चाय, और देखते हैं चाय के साथ खाने में क्या मिलता है। तो जी सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेड टोस्ट तो मिला नहीं, सैंडविच मिल रहे हैं ड्राई वाले, या फिर ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, तो हमने भी ले लिया है ब्रेड पकौड़ा और उसके साथ चाय, तो वो लेते हैं और फिर जल्दी से जाते हैं सांझी छत पर, और वहाँ से लेना है हमें अपना हेलीकॉप्टर। A few moments later. तो हमने कर दी अपनी चढ़ाई शुरू सांझी तक की तरफ, और हमें लगभग लगेगा 1 घंटा। तो हमें जाना सांझी तक पे क्योंकि हमें जाना हेलीपैड पे। तो फाइनली हम हेलीपैड के पास पहुंच चुके हैं और 300 मीटर बाद हमारा हेलीपैड आएगा। दो हमारा हेलीकॉप्टर 10 बजे और अभी 1 घंटा है, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। और ये मेरी पहली जर्नी है हेलीकॉप्टर से, मैं ऐसे कभी हेलीकॉप्टर से आया हूँ ना गया हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कैसा जर्नी रहता है और आपको भी दिखाते हैं।
300 मीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ सेकंड पे। तो यार मेरे पीछे देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ग्लोबल वेक्टर और हिमालय। तो आपकी बुकिंग जिसमें भी हो गया वहाँ काउंटर पर जाके चेक इन कर सकता है। और सुबह सुबह यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, हम तीन लोग ही और चार पांच लोग और बैठे हैं। और यहाँ पे खाने पीने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक कॉफ़ी दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे कॉफ़ी का ऑप्शन है और यहाँ से हो रहा है सिक्योरिटी चेक और ये है यहाँ पे चेक इन। तो हम भी अपना करते हैं चेक इन और फिर वेट करेंगे अपने हेलीकॉप्टर। A few moments later. तो हमने कर लिया सिक्योरिटी चेक इन और हमें मिल गया है अपना बोर्डिंग पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मिला है हमें बोर्डिंग पास। तो हमारा हेलीकॉप्टर 10 बजे का था, पास निकालता था। तो हमारा हेलीकॉप्टर 10 बजे का था बट क्योंकि हम जल्दी आ गए तो हमने पूछा कि हम जल्दी जा सकते हैं, तो आप जल्दी का भी हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। तो हमारा हुआ पोपट क्योंकि ना फोटोग्राफ लेना अलाउड था ना वीडियो लेना अलाउड था। और उन्होंने हमारे कैमरा सारे बैग में रख लिए और हमको वो दिया भी नहीं। तो और हमको मिला भी वो बैग बिल्कुल नीचे और वहाँ पे भी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो वीडियो और फोटो तो नहीं आ पाए, जितना मैं ले सकता था मैंने वो ऐड कर दिया, वो आपने देखा ही होगा। और अब हम यहाँ नीचे कटरा पे पहुँच चुके हैं। तो वापस जाएंगे अपने IRCTC के गेस्ट हाउस में और वहाँ पे करेंगे अपना लंच, काइंड ऑफ ब्रंच। और यहाँ पे मौसम बहुत ही सही है और ऊपर के नज़ारे एक नंबर, मतलब देख के मज़ा आ गया। इतना अच्छा तो बर्लिन में भी फील आया क्योंकि यहाँ पहाड़ पे तो नीचे बहुत ही सही व्यू था। काश मेरे पास कैमरा होता या मुझे अलाउड होता तो मैं आपको वीडियो दिखाता। बहुत ही सही व्यू और हार्डली 4 मिनट लगे और मेरे ऊपर से अभी जा रहे हैं। तो ये जस्ट यहीं ऊपर लैंड हो रहे हैं और हमें सांझी छत से यहाँ पहुँचने में हार्डली 4 से 5 मिनट लगे होंगे। और उन्होंने मुझे पीपी किट भी बना दिया था क्योंकि मैं बैठा था पायलट के साथ। तो जो भी आगे पायलट के साथ बैठ रहा है उसको पीपी किट बना रहे हैं। उसमें बैठ के तो बहुत ही गर्मी लग रही थी अंदर बट मज़ा आया। तो आप भी अगर आएँ तो इसके टिकट ज़रूर बुक करें, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट इसके ज़रूर बुक करें, एक बार एक्सपीरियंस तो बनता है इसका। और यहाँ पर टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो जब आप आएँ तो ऑनलाइन बुक कर लें, ऑनलाइन बुकिंग आई थिंक 30-40 दिन पहले खुली होती है तो आपको वो मिल जाएंगे टिकट्स। तो हम लेते हैं हम यहाँ से कुछ टैक्सी या कैब और फिर जाते हैं IRCTC के गेस्ट हाउस। और यहाँ से जब भी आप हेलीपैड से एग्जिट लेंगे तो आपको टैक्सी के थ्रू ही नीचे कटरा जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था ये टैक्सी कटरा तक छोड़ेगी बट इसने तो यहीं एयरपोर्ट काउंटर पर छोड़ दिया है। और यहाँ मेरे पीछे से काफ़ी भीड़ है और हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और लेते हैं अपना ऑटो। सिर्फ रोड क्रॉस और अपोजिट साइड आए तो हम मिल गए 100 रुपये। तो जी कुछ 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद जिसमें लगे हमसे 10 मिनट हम पहुँचे हैं कटरा के मार्केट में और आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। और रियान शाह के लिए लेते हैं कुछ चीज़ें और देखते हैं बाकियों के लिए कुछ अच्छा मिलता है तो उनके लिए भी ले लेंगे कुछ। तो क्योंकि हमें सांझी छत पे कुछ मिला नहीं था और अभी फिर से लग रही है भूख क्योंकि हमने वहाँ सिर्फ ब्रेड पकौड़ा चाय पी थी। तो मेरा ब्रेड टोस्ट खाने को बड़ा मन था तो यहाँ से हम ले रहे हैं ब्रेड टोस्ट और चाय फिर से और उसके बाद करते हैं कुछ लाइट ब्रेकफास्ट।
तो हमने बच्चों के लिए लिए गिफ्ट्स और सब लोगों के लिए लिए ड्राई फ्रूट्स और कुछ खाने पीने के लिए यहाँ से। अब हम निकल रहे हैं अपने IRCTC गेस्ट हाउस के लिए, तो और हमने पराठे भी इंजॉय कर लिए। तो आप लोग भी आए तो मनोरंजन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इस गली में अंदर जाते हैं किसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पराठे ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी पराठे थे। अब देखते हैं आगे क्या खाते हैं, वरना IRCTC गेस्ट हाउस जाकर थोड़ा आराम करेंगे और फिर निकलेंगे अपने ट्रेन के लिए। और ये थैले लेके चलते हुए हमारे साथ सब लोग, तो इन थैलों में भरा है सारा सामान। तो हमने दुकान से एक थैला एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे बैग्स थे, तो उन्हें सब इसमें डाल दिए। और निकलने से पहले हमने सोचा यहाँ के छोले कुलचे भी ट्राई किए जाए, तो ये कुलचों के अंदर भर के दे रहे हैं, तो हमने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसा टेस्ट में है। और मैंने थोड़ी सी मिर्ची इसमें अपने में ऐड करा लिया है, और यहाँ पे प्याज भी मिल जाती है, तो अगर आपको प्याज खाने का मन है तो आप इसमें प्याज भी ऐड करा सकते हैं। A few moments later, तो हम पहुंच गए थे IRCTC के गेस्ट हाउस और हमने उसमें कर लिया आराम। तो मैं तो सो गया था कुछ 2 घंटे लगभग, और अभी मैं उठा हूँ, अभी बज रहे हैं 1:30, तो अब है टाइम निकलने का आइए ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी 3 बजे की ट्रेन है और हम सोच रहे हैं उससे पहले कुछ खा पी भी लेंगे, तो लेंगे ट्रेन। और यहाँ पर हमारे पास बेड तो नहीं था क्योंकि हमारी बुकिंग कल तक की थी, तो हमने बेड ले लिया 4 घंटे के लिए लिया, बट ठीक है बेड मिल गया तो थोड़ा आराम कर लिया। और यहाँ पे बेड का कॉस्ट 200 रुपये है, तो अगर आप कभी आए तो यहाँ पे 200 रुपीज़ दे के आप अपना बेड ले सकते हैं। और डॉर्मेट्री अच्छी है, मैं आपको डॉर्मेट्री भी दिखाता हूँ। और अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, तो आप वहाँ से कुछ अपने लिए खरीद भी सकते हैं। और रही बात ट्रेन में खाने पीने की, तो वंदे भारत में अनफॉर्चुनेटली खाने पीने का कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वो सर्विस बुक करेंगे जहाँ पे हमें खाना मिल जाएगा रास्ते में, डिलीवर हो जाता है, तो शायद अम्बाला या जलंधर पे वो ऑप्शन मिल रहा है, तो हम वो बुक कर लेंगे। फिलहाल के लिए चाय वाय पी लेंगे, कुछ सैंडविच खा लेंगे, ऐसा कुछ खा लेंगे ज़्यादा, क्योंकि बुक भी नहीं हमने सुबह, आपने देखा ही कटरा में हमने बहुत कुछ खा लिया, तो देखते हैं उसका क्या रहता है। बट हम यहाँ से निकलते हैं, अब अपना सामान लेते हैं क्लोक रूम से और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जी हमारा मन था चाय पीने का, क्योंकि थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा मैं तो सो गया था, तो ये लोग गए हैं चाय लेने और साथ में कुछ लाइट खाने। और हम अपने ट्राई करेंगे हमारे फूड कूपन जो हमारे कल के थे, अगर वो चल जाए, नहीं चले तो कोई बात नहीं, चल गए तो ठीक है हमारे पैसे बच जाएंगे, तो वो ट्राई करने गए हैं ये लोग और देखते हैं क्या लेके आते हैं। मैंने अपने चाय और सैंडविच बोला है क्योंकि मुझे कुछ लाइट खाने का मन है, और ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं इसलिए खाना भी ज़रूरी है, इसलिए देखते हैं क्या लाते हैं ये लोग। और यहाँ पे प्रॉपर लंच मिल रहा है, लोग काफ़ी मैं देखा कि वो लंच कर रहे हैं, तो अगर आपका लंच खाने का मन है तो आप यहाँ पे लंच भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, जिसमें आपके पास रूम्स भी हैं, आपके पास डॉर्मेट्री भी है, तो आपको अगर प्रॉपर रूम नहीं चाहिए तो आप डॉर्मेट्री ले लें, वहाँ पर जल्दी से चेंज करें अपना और आप सीधा चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और प्रॉपर रूम्स अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। खाने पीने में जनरली सारी चीज़ें, हमने कल ब्रेकफास्ट किया था, उसमें भी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों ऑप्शंस थे, चाय कॉफ़ी, और यहाँ पे भी सब कुछ मिल रहा है। लेते हैं अपनी चाय और खाते हैं सैंडविचेस और फिर जाते हैं ट्रेन की तरफ। अब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है डेली ब्लॉगिंग का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ और जैसे मैं कर सकता हूँ, बट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ बनाते हैं, डेली ब्लॉगिंग करते हैं, ट्राई करते रहते हैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखाने की, और जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है बर्लिन में, तो आगे भी वैसे वीडियोस आएंगी। अभी हम मिड दिसंबर तक हैं इंडिया में, उसके बाद जब हम पहुंचेंगे जर्मनी तो वहाँ की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, बट फिलहाल आप देखिए इंडिया के व्लॉग्स हमारे। A few moments later, और हमारे प्लान में आया सड़क चेंज, तो यहाँ पे दाल राइस मिल रहा है, येलो दाल और राइस, जो कि मेरा फेवरेट है, तो मेरी दो ही दाल फेवरेट है, एक येलो दाल और अरहर दाल, और साथ में मलका, तो यहाँ पे अरहर दाल और चावल मिल रहे हैं, तो मैं सोचा मैं वही खा लेता हूँ और साथ में चाय, तो अब वो आएगा हमारे लंच में। एक प्लेट दाल राइस पे लेने के बाद अब और मन कर रहा है कि एक और खा लेते हैं, तो भ्रातःश्री एक और दाल राइस लेने गए हैं, और ये देखिए हमने एक ऑलरेडी फिनिश कर दिया है,
और अब बार यह दूसरा दाल राइस खाने की, क्योंकि ये दाल राइस ऐसे कि बहुत ही लाइट होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है और ब्रदर श्री को बहुत पसंद है, तो ठीक है एक और दाल राइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जी हम पहुंच गए स्टेशन पे और ये खड़े हमारे पीछे वंदे भारत और हम अपने डब्बे के आगे खड़े C9। अभी यहाँ सारे डब्बे बंद हैं, गेट्स खुले नहीं हैं, तो हम ट्रेन के अंदर तो नहीं जा सकते और मेरे पीछे से ऊपर गया भी एरोप्लेन, क्योंकि अभी टाइम है 2:30 मेरे हिसाब से, और 15 मिनट में गेट खुल जाएंगे क्योंकि 3 बजे ट्रेन चल जाएगी। और वंदे भारत हम तीनों के लिए नहीं है, तो देखते हैं वंदे भारत में कैसे एक्सपीरियंस रहता है। आशा करते हैं कि ट्रेन फास्ट है तो मज़ा तो आने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। खाने पीने का कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि सब लोग बोले नहीं मिलेगा, तो बैठेंगे ट्रेन में तो आपको दिखाते हैं ट्रेन कैसी है और बताएंगे इसकी सर्विस के बारे में। तो ट्रेन के दरवाजे खुल गए हैं, कदम भी उठाते सामान और चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो हम ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, बट हमारी सीट्स ऐसे एक उधर विंडो पे, एक यहाँ विंडो पे और एक आगे वाली विंडो पे, तो फिलहाल हम ऐसे बैठे हैं, बट कोशिश करेंगे कि हम तीनों एक साथ सीट में और बाकी दो लोग इधर बैठे हैं। और थोड़ी थोड़ी जर्मनी जैसे फील आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही सीट्स होती है, ऐसे ही ट्रेन होती है, ट्रेन में ऐसे डोर्स होते हैं जहाँ पे आप टच करें डोर का दरवाजा खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी वैसी फील आ रही है। A few moments later. तो जो ट्रेन बिल्कुल अपने 3:30 बजे अपने टाइम चल रही है, अब देखते हैं कितना स्पीड से चलती है और कितनी जल्दी हमें पहुँचाती है। हमें सब बोल रहे थे ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा, बट यहाँ तो आते ही देखा कि खाना मिलेगा। और खाने में अभी फिलहाल ऑप्शन है राजमा राइस, छोले राइस, दाल मखनी राइस। ट्रेन में बैठे बैठे 2 घंटा हो गए और हमने चाय भी पी ली है, और मैं आपको देता हूँ ट्रेन का व्यू और यहाँ देखते हैं कि ट्रेन में क्या क्या है और कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा एक होता है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें खाने पीने की। जैसे आपने सुना हम पहुँच चुके हैं अम्बाला और हमने ऑर्डर किया था फूड ऑन ट्रेन, तो ऐप के थ्रू, और वो खाना आने वाला है सूप से, और हमने ऑर्डर किया था वाजीवा से कुछ चाप और पनीर टिक्का बिरयानी। तो हमें फ़ोन आ गया था कि आपका ऑर्डर रेडी है, मैं स्टेशन पे हूँ, जो बंदा डिलीवर करना है, तो बाकी लोग गए हैं गेट पे ऑर्डर देखने, देखते हैं ऑर्डर आ गया कि नहीं है और आपको बताते हैं खाने का टेस्ट कैसा था। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने खाने इंजॉय कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में एक ऑप्शन था अम्बाला का, तो हमने वहाँ ऑर्डर कर दिया। ट्रेन रुकेगी हार्डली 2-3 मिनट, बट फूड ऑन द ट्रेन का सर्विस अच्छा है, तो ट्राई करते हैं। ट्रेन में जो खाने वगैरह उसमें सिर्फ छोले चावल और नॉर्मल चावल था, उसमें सो ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, तो हमें इसलिए बाहर चलते हैं। तो वेट करते हैं अपने खाने का और आपको भी दिखा दें वो खाना डिलीवर होगा। तो जी हमारा खाना सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये आ गया हमारा खाना, अब इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगाया।
खाना बहुत ही टेस्टी था और हम इसका रिव्यू ऐड करने वाले हैं क्योंकि लिटरली खाना बहुत अच्छा था और राजीबा का वैसे ही नाम है तो हमें एक्सपेक्टेशन भी अच्छी थी कि अच्छा खाना होगा और वैसे ही कुछ खाना है। जानते हैं चाच और ब्रदर श्री से कि उनको कैसा खाना लगा। थोड़ी मिर्च थी और मुझसे मिर्च खाई नहीं जाती बट अदरवाइज खाना एक नंबर। तो अगर आप वंदे भारत से आ रहे हैं और आप अंबाला के आस पास हैं तो ये खाना ऑर्डर कर लें। और आई थिंक हमने एक डेढ़ घंटा पहले ऑर्डर किया था और टाइम पर डिलीवर हो गया तो आई थिंक आप भी ऐसा कर सकते हैं। और नीचे मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आपने ये बुक किया तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम पहुँचने वाले दिल्ली डेढ़ घंटे में तो हम आपको दिल्ली में मिलते हैं। तो जी बज रहे हैं पूरे 11 और हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं सब लोग बाहर निकल रहे हैं, हम भी बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से पकड़ेंगे हम कैब। अब मेरे पीछे देख रहे हो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और सही अभी हो रहे 11:10। हम से 11 बजे पहुंच गए थे, ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम थी और पहले ट्रेन 10-15 मिनट जल्दी चल रही थी, हमें लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ, ट्रेन अपने सही टाइम पे पहुंची और ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही थी तो बीच में हमने देखा कि 133 और 135 किलोमीटर पर आवर पे भी पहुंच गई थी। तो ट्रेन एक नंबर, अगर आप भी वापस आ रहे हैं कटरा से जम्मू से तो आप ये ट्रेन ले सकते हैं, परफेक्ट टाइम पर आएगी। तो हम कर रहे हैं कैब और फिर हम पहुँचेंगे घर। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, चाओ एंड स्टे सेफ।